त्रिनेत्र चूरू अपडेट में आपका स्वागत है। रतनगढ़ क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश ने आम जन को अस्त व्यस्त कर दिया है। जिला मुख्यालय से शहर में प्रवेश करने वाला मार्ग तो बंद है ही, लेकिन अब सुजानगढ़ से रतनगढ़ आने वाले मार्ग की हालत भी काफी दयनीय हो गई है। मेगा हाईवे पर गांव लोहा के पास क्षतिग्रस्त सड़क के कारण वाहन चालक काफी परेशान है तथा मंगलवार को हुई बारिश के बाद हाईवे पर दोनों तरफ लंबा जाम लग गया। पानी में गाड़ियां फंसने की घटनाएं भी लगातार सामने आती रही। वहीं उत्तरी बाजार में बारिश के पानी की निकासी नहीं होने के कारण कई दुकानों में पानी भर गया। जिला मुख्यालय के कलेक्ट्रेट स्थित राजीव गांधी सेवा केंद्र में आज मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने सभी जिला कलेक्टरों एवं जिला पुलिस अधीक्षक से VC के जरिए आगामी 26 सितंबर को प्रस्तावित रीट परीक्षा के सिलसिले में व्यवस्थाओं की समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिए। इस दौरान मुख्य सचिव ने कहा कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अभ्यर्थी भाग लेंगे, इसलिए परीक्षा की व्यवस्थाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों से कहा कि पेपर्स की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जाए। वहीं मुख्य सचिव ने अभ्यर्थियों के आवागमन, खाने पीने, ठहरने, इंटरनेट बंद रखने सहित विभिन्न व्यवस्थाओं पर विस्तृत चर्चा की। इस मौके पर जिला कलेक्टर सावनमल वर्मा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नायन टोगस, ADM लोकेश गौतम सहित विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद थे। राजलदेसर कस्बे की दो होनहार बालिकाओं ने चार्टर्ड अकाउंटेंट बनकर पूरे कस्बे का नाम रोशन किया। राजलदेसर की सामाजिक संस्था राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से आज समाज सेवी हेमरा सुथार की पुत्री शिल्पा सुथार व अजीत सुथार की पुत्री प्रियंका सुथार के चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने पर उनके निवास स्थान पर जाकर दोनों का साफा माला प्रतीक चिन्ह श्रीफल भेंट करके सम्मान किया गया। इस अवसर पर युवा विकास समिति के अध्यक्ष कैलाश सोनी, सोहनी देवी सुथार, ओम प्रकाश पांडे आदि सदस्य मौजूद थे। पास करने पर अभिवादन किया गया, इसलिए मैं युवा विकास समिति का अभिवादन करती हूँ, आभार करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमारा कर सके। साथ ही मैं पूरे ग्रामीण वासियों का अभिवादन करती हूँ कि उन्होंने हमें ये अवसर दिया और हमें सम्मानित किया, धन्यवाद। ये मौका मुझे अपने परिवार जन, मम्मी पापा और ईश्वर की कृपा से प्राप्त हुआ, तो आभार उनका भी। मेरे और मेरे परिवार वालों की तरफ से राजलदेसर युवा विकास समिति का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे और मेरी बड़ी बहन को इस लायक समझा, जिन्होंने हमारा अभिवादन किया, अभिनंदन किया, और उन्हें भी यह जान के बहुत खुशी हुई कि हम उनके गांव की तरफ से उनके गांव का नाम रोशन किया है दो लड़कियों ने। मुझे यह जान के बहुत खुशी हुई। मेरे नाम से शिल्पा सुधार बनी। राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से आज बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ के नारे से हम आज यहाँ राजलदेसर कस्बे की दो बेटियाँ जिन्होंने CA में स्थान पाया है, हम उनका आज राजलदेसर युवा विकास समिति की ओर से उनका अभिवादन करने आए हैं। राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान हैंडबॉल टीम का प्रतिनिधित्व कर कांस्य पदक जीतकर लौटने के बाद खिलाड़ी माया व पूजा जाट और कोच सुमन पुनिया का रतनगढ़ की ग्राम पंचायत लोहा के सरपंच भंवरलाल पुनिया के नेतृत्व में जुलूस निकालकर बहुत ही जोर शोर के साथ स्वागत किया गया। जुलूस के बाद खिलाड़ियों का महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में मेडल पहनाकर व स्मृति चिन्ह भेंट करके स्वागत किया गया। इस अवसर पर समारोह के अध्यक्ष शशि कुमार गौड़, रतनगढ़ पंचायत समिति के प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज खीचड़, विशिष्ट अतिथि जिला परिषद सदस्य पप्पू कादिया आदि मौजूद रहे। सत्याग्रह सप्ताह के अंतर्गत जिला स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन आज चूरू की पारख बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया। प्रतियोगिता में भाषण, निबंध व चित्रकला में ब्लॉक स्तर पर चयनित 3-3 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इस दौरान जिला कलेक्टर सावनवर वर्मा, जिला संयोजक दुलाराम सहारण, ब्लॉक संयोजक वरिष्ठ कांग्रेस नेता रियाजत खान आदि ने अवलोकन कर संभागियों को प्रोत्साहित किया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं वर्ष के अंतर्गत जो तीसरा सप्ताह है सत्याग्रह का, उसके संबंध में विभिन्न प्रतियोगिताएँ आयोजित की गई। इन प्रतियोगिताओं का जिला स्तर का आयोजन किया गया है, इसमें जो संभागीगण हैं उनका अपना अपना आज किया गया।
रतनगढ़ उपखंड कार्यालय में मंगलवार को ब्लॉक स्तरीय अधिकारियों की बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान बैठक की अध्यक्षता कर रहे SDM विजेंद्र सिंह ने अधिकारियों को प्रशासन गांवों के संग अभियान की तैयारियां करने के निर्देश दिए। SDM ने कहा कि सभी विभाग अग्रिम टीमों का गठन कर लें तथा शिविर से पहले जाकर तैयारियों का जायजा लें, साथ ही शिविर में संपादित होने वाले कार्य का चिन्हीकरण करें ताकि शिविर से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। सादुलपुर के भाजपा नेता अब्बास कुरैशी को आज पुनः अल्पसंख्यक मोर्चा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। वहीं अब्बास कुरैशी को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने मिठाई बांटकर व माला पहनाकर कुरैशी का अभिनंदन किया। इस मौके पर कुरैशी ने सांसद राहुल कसवा, भाजपा जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी व अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष अख्तर खान का आभार व्यक्त किया। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ जिला शाखा चूरू ने आज 15 सूत्री मांग पत्र को लागू करवाने को लेकर धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिला अध्यक्ष ऋषपाल सिंह चारण के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन के दौरान महासंघ के जिला महामंत्री फूले सिंह बुल्डक, मातु सिंह राठौड़, निवास माली आदि मौजूद रहे। दिनांक 15 सितंबर 2021 को अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर महासंघ के 15 सूत्री मांग पत्र को लागू करने के लिए हम मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर महोदय के माध्यम से ज्ञापन देंगे। और यदि इसके बावजूद भी सरकार ने वार्ता करके जो समय समय पर कर्मचारियों को कमेटियों का गठन करके गुमराह कर रही है, और हमारी मांग है कि सामंत कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक करें और सरकार कर्मचारियों के साथ वार्ता करके जो हमारी जो मांगे हैं उसका निराकरण करें, और इसकी पश्चात भी सरकार नहीं चेती तो 24 तारीख को राज्य सरकार और महासंघ के साथ जो समझौता हुआ है उसके फलस्वरूप विरोध भी उस मनाएंगे, और फिर भी यदि सरकार ने समय रहते हमारी मांगों को पूरा नहीं किया तो पूरे राजस्थान में जन जागरण करके एक मुकम्मल आंदोलन छेड़ा जाएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में चल रहे सत्याग्रह सप्ताह के तहत आज रतनगढ़ की आर्या पब्लिक स्कूल में गांधी जी के जीवन पर आधारित फिल्म गांधी का प्रदर्शन किया गया। उपखंड प्रशासन एवं महात्मा गांधी जीवन दर्शन समिति के तत्वावधान में हुए कार्यक्रम की अध्यक्षता ACBEO विक्रम सिंह चौहान ने की। इस अवसर पर समिति के संयोजक हरिप्रकाश इंदौरिया, सह संयोजक नवीन वर्मा व संस्था निदेशक अंबिका प्रसाद हारित ने अपने विचार प्रकट किए। रतनगढ़ की राजकीय माध्यमिक स्कूल बापूनगर को महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्रमोन्नत करने के आदेश राज्य सरकार द्वारा जारी करने के बाद क्षेत्र के लोगों में हर्ष की लहर दौड़ गई। इस दौरान मंगलवार को वाल्मीकि बस्ती में सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य पुष्पलता मंडार, सेवानिवृत्त शिक्षा अधिकारी अनवर कुरैशी, रतनलाल जाट के आतिथ्य में स्कूल संघर्ष समिति के संयोजक वेद प्रकाश पवार का सम्मान किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि पवार ने इस स्कूल को इंग्लिश मीडियम में परिवर्तन करने के लिए आंदोलन करते हुए धरना प्रदर्शन किया था तथा कांग्रेस जिलाध्यक्ष मोहनलाल पुजारी सहित कई जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों से मिलकर मांग भी की थी, जिसकी बदौलत यह कार्य हुआ है। जिला मुख्यालय पर नेशनल कैडेट कोर 2 राज बटालियन के तत्वावधान में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर में आज विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल पंकज कुमार ने ड्रिल प्रशिक्षण का निरीक्षण किया। इस अवसर पर छात्रा कैडेट्स को ड्रिल की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि आज महिलाएं हर एक कार्यक्षेत्र में अपना योगदान दे रही है। जरूरत इस बात की है कि बालिकाएं अपना आत्मविश्वास ऊंचा रखें और अपना लक्ष्य तय कर उस पर फोकस करें। उन्होंने छात्रा कैडेट्स को देश की सेना में ऑफिसर बनकर राष्ट्र सेवा करने हेतु प्रेरित किया और कहा कि देश सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। सरदारशहर के स्थानीय बाबू शोभाचंद जम्मड़ भवन में मंगलवार को हिंदी दिवस पर
कागज समूह व लोक रंजन परिषद के संयुक्त तत्वावधान में कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर पालिका अध्यक्ष राजकरण चौधरी, CBEO अशोक पारिक, समाज सेवी मोनिका सैनी, भवनलाल व्यास आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। इस अवसर पर हिंदी हमारी भाषा है प्यारी नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। वहीं राजस्थानी भाषा के कलाकार रबियो और मांगियो बदमाश ने हास्य विनोद संवाद प्रस्तुत किया। कवि सम्मेलन में कोटा से श्रृंगारी कवियत्री नैना नसीम ने तेरी आंखों ने जो कत्ले आम किया और बेटी तो घर की रौनक है संसार बेटी से, वह हास्य सम्राट सूरत अजनबी ने अपनी हास्य कविताओं से सभी श्रोताओं को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। तारानगर तहसील के गांव सात्यू में आज आंगनबाड़ी केंद्र पर गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म का आयोजन किया गया। इस दौरान आंगनबाड़ी कार्यकर्ता संतोष शर्मा ने बताया कि गर्भवती महिलाओं को आयरन की गोली व फ्रूट्स वितरित किए गए, साथ ही गर्भ में शिशु की देखभाल व स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी गई। इस अवसर पर आशा सहयोगिनी सीता रानी, सहायिका रेशमी देवी, वार्ड पंच कृष्णा देवी सहित अनेक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मौजूद रही। और गर्भवती महिलाओं व धात्री एक ही महिलाओं की गोद भराई की रस्म की गई और साथ में उनको आयरन की गोली और स्वास्थ्य के बारे में बताया गया। आंगनबाड़ी केंद्र 5 पे गर्भावस्था मनाई गई, सभी महिलाओं को कोरोना के बारे में बताया गया। सेक्टर के आंगनबाड़ी सात आंगनबाड़ियों पर गोद भराई की रस्म की गई, जिसमें उनमें गर्भवती महिलाओं को एनीमिया के बारे में और उन्हें स्वास्थ्य के बारे में बताया गया। रतनगढ़ के शास्त्री नगर नवयुग मंडल के तत्वावधान में आयोजित 5 दिवसीय गणेश महोत्सव का समापन मंगलवार को हुआ। गणेश चतुर्थी के दिन मूर्ति स्थापना की गई तथा प्रतिदिन सुबह शाम सामूहिक पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। मंगलवार की शाम बाबा की प्रतिमा का विसर्जन पाइली के पास स्थित जोहड़ में किया गया। वहीं विसर्जन से पूर्व शास्त्री नगर से शोभा यात्रा भी निकाली गई। जिला मुख्यालय स्थित गोरखनाथ टीले पर आज विप्र महिला मंडल द्वारा पौधरोपण किया गया। पौधों की सार संभाल की जिम्मेदारी सुरेंद्र पारिक को दी गई। इस अवसर पर सचिव सरिता, अध्यक्ष अचला शर्मा, मंजू पारिक, विजय लक्ष्मी पारिक, अर्चना मिश्रा, संजीता बैनर्जी, निहारिका शर्मा व सरोज चौमाल मौजूद रही। जिला मंडल ने गोरखनाथ जी के टीले पर यहाँ हम सब ने मिलकर पौधारोपण किया है। प्रत्येक सदस्य ने 2-2 पौधे अपनी तरफ से यहाँ पर लगाए हैं। पर्यावरण सुरक्षा के लिए पौधारोपण अति आवश्यक है और ये हमारे राजस्थान का मानसूनी मौसम चल रहा है तो पौधे आसानी से इस मौसम में लगते हैं, इसीलिए ये निर्णय लिया गया। रतनगढ़ के भाईजी हनुमान प्रसाद पोद्दार के नोहरे व गनेडीवाल मंदिर में मंगलवार की रात राधाष्टमी का आयोजन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने राधा जी का जन्मोत्सव बड़े धूमधाम से मनाया। नोहरे में योगाचार्य पवन जोशी व गायक छोटू मीरासी ने राधा कृष्ण के भजनों की प्रस्तुति दी। चूरू शहर के औद्योगिक क्षेत्र में मंगलवार रात्रि को किसी समय रोड नंबर 1 पर स्थित मार्बल्स एंड टाइल्स की 4 फैक्ट्रियों के एक साथ ताले तोड़कर अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। घटना की सूचना मिलते ही DSP ममता सारस्वत और कोतवाली थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने मौके पर पहुंचकर मौका मुआयना किया और फैक्ट्री मालिकों से घटना और चोरी हुई सामान की जानकारी ली। कोतवाली थाना अधिकारी सतीश कुमार यादव ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र रोड नंबर 1 पर स्थित 4 फैक्ट्रियों में चोरी की घटना हुई है। चारों फैक्ट्रियों के मालिकों ने बताया कि उनकी फैक्ट्री के मुख्य गेट का दरवाजा बंद था। अंदर जाकर देखा तो ऑफिस का शटर थोड़ा खुला हुआ था और ताला साइड में टूटा पड़ा था। इसके बाद चोरी की घटना होने की बात सामने आई। संबंध में सूचना मिलने पर तुरंत मौके पर पहुंच गए और मौके का निरीक्षण भी कर लिया है।
क्या फैक्ट्रियों में इनके जो ऑफिस है, ऑफिस की जो इनका काउंटर वगैरह है उसके ताले टूटे हैं, छोटे के रूप में रखते हैं, ज़्यादा पैसे दिया नहीं रखते, फिर भी ये चैलेंज है, इन चोरों के बारे में पता लगा कर इनको शीघ्र ही पकड़ेंगे। चोर संभवतः इन लोकल ही है। सर सीसीटीवी फुटेज में कुछ फुटेज सामने फुटेज एक फैक्ट्री राजेश इसमें कैमरे थे, बनकर के कैमरे में कुछ इस तरफ कोई आए नहीं, इनके दोनों साइड में दोनों फैक्ट्री हैं, एक सामने है दो साइड में, तो इन जहाँ तक कैमरे की नज़र है वहाँ तक कोई सामने चेहरा आ नहीं रहा, फिर भी और भी दूसरे कोई देखते हैं कि सीसीटीवी कैमरे में कहीं। सरदार शहर में भी रतनगढ़ मेगा हाईवे स्थित एक निजी मोटर गैराज में घुसकर मंगलवार रात किसी समय चोर ने 5 गियर बॉक्स एल्यूमिनियम की चोरी कर ली। आज सुबह घटना का पता चलने पर गैराज के मालिक ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी। राजलदेसर कस्बे के वार्ड नंबर 11 निवासी एक व्यक्ति ने पेड़ पर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। वही घटना को लेकर मृतक मंगतमल के पुत्र जितेंद्र ने पुलिस थाने में घरेलू मामले को लेकर रिपोर्ट दर्ज करवाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के सुपुर्द कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मैं डॉक्टर पंकज चौधरी, आज सुबह यहां पीएम के लिए मृतक मंगतमल की बॉडी को लाया गया 8 बजे, और उसका पोस्टमार्टम बोर्ड के द्वारा मेरे और डॉक्टर बॉस नेमीचंद जी के द्वारा हमारे द्वारा किया गया है, और पुलिस को रिपोर्ट दे दी गई और पुलिस अपनी कार्रवाई करे।